पहले तो ये गुलबर्गा के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि मेन हाईवे पे इस तरीके का इतना अच्छा बस स्टैंड होगा जहाँ पर एक आदमी भी नहीं बैठ सकता, एक लेडीज भी नहीं बैठ सकती। वॉइस ऑफ गुलबर्गा के साथ मैं सैयद नईमुद्दीन। शहर गुलबर्गा के बीचों बीच सिटी बस स्टैंड को बना दिया गया है जहां पर मुसाफिरीन को बस का इंतज़ार करना पड़ता है। जी हां, बस स्टैंड तो बना दिया गया है मगर उस पर तवज्जो नहीं होती। ये चीज़ें जिस पर लीडर हो या जिम्मेदार हो, इन चीज़ों को क्यों नज़रअंदाज किया जाता है? बस स्टैंड तो बना दिया गया है, आप देख सकते हैं कि बस स्टैंड जहाँ पर सिटी बस स्टैंड जो गुलबर्गा के शहर गुलबर्गा के बीचों बीच है, मगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी गंदगी है और यहाँ पर ज़ईफ़ लोगों को बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं है, फर्श भी इतनी गंदी है। और ये जो है केसीटी कॉलेज के रूबरू यहाँ पर सिटी बस स्टैंड है, बस स्टैंड तो बना दिया गया है मगर साथ ही साथ बना देने के बाद जिम्मेदारों की ये तवज्जो बनती है कि इस पर तवज्जो दें, बल्कि इसको नज़रअंदाज ना करें। बल्कि एक ही नहीं बल्कि ऐसे कई बस स्टैंड हैं जहां पर बस स्टॉप है जो बस का इंतज़ार तो करते हैं मगर वहां पर लोगों को बैठने के लिए कुर्सियां नहीं होती है। यहां के मुसाफिरीन समझाते हैं कि क्यों इस पर लापरवाही की जा रही है, आखिर क्यों इस पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये एक ही बार नहीं बल्कि ऐसे कई चैनलों पर दिखा दिया गया है कि सिटी बस स्टॉप पर मगर यहाँ पर सीटें गायब है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ से मुसाफिरीन को यहाँ तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। आइए हम यहाँ पर जानते हैं। सर, हमें ये बताइए, ऐसे एक ही बस स्टैंड नहीं बल्कि ऐसे कई बस स्टैंड हैं जहाँ पर बस स्टॉप तो है मगर वहाँ पर कुर्सियाँ गायब है और गंदगी, आप देख सकते हैं कि इस बस स्टैंड के आसपास कितनी गंदगी है। लीडर हो या कोई ज़िम्मेदार हो, आखिर इनकी नज़र इन चीज़ों पर क्यों नहीं पड़ती है? मैं ये इस बस स्टैंड के बारे में कहने से पहले, इस बस स्टैंड को यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए कई एक लोगों ने यहाँ के जो लोगों ने यहाँ पर मेहनत की, जद्दोजहद की, उन लोगों के बारे में भी कहूँगा कि यहाँ के कई एक NGOs और एरिया रेसिडेंट्स ने इस बस स्टैंड को बनाने के लिए, यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए बहुत से कोशिशें, एप्लीकेशनें देने के बाद, डिमांड्स करने के बाद ये बस स्टैंड तो बन गया मगर उसके बाद से लेकर आज तक यहाँ पर कोई भी इस बस स्टैंड को देखने के लिए अन्य के RTC के डिपार्टमेंट्स का कोई नहीं आया, ना ही मेंटेनेंस के लिए आज तक कोई आया है। बल्कि यहाँ पर कुर्सियाँ जो थे वो टूट कर पुरानी हो गई, ऐसा लगता है अभी थोड़े दिनों में ये बात हो सकती है कि यहाँ पर एक बस स्टैंड था क्या, इस तरह से बात हो सकती है, उस तरह से हालत हो चुकी है। यहाँ बरसात में या धुपकाला हो या कोई भी मंथ में यहाँ पर कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट का नहीं आता है जो बस स्टैंड में देखे, और बस स्टैंड में जो अभी फ़िलहाल तो इस तरह बुरी हालत है, इसको बस स्टैंड बोलना भी बहुत गलत नज़र आ रहा है। बसें तो आ रही है, बस स्टैंड में बस ही पब्लिक को बैठने ही नहीं है। और मेरी ये भी एक डिमांड है NKRTC से कि यहाँ पे कुर्सियाँ बिठाने के बाद कैमरा भी बिठाए, क्योंकि यहाँ पे ख़वातीन औरतें जो रहती हैं वो बस से उतरने और चढ़ने के टाइम पे कई ये NKRTC में स्नैचिंग्स हो रहे हैं यहाँ पर, और चिंगोर चौरस्ते पे तो बस से उतरना मुश्किल हो चुका है, बस से उतरते ही चोरी हो रही है। ऐसा लग रहा है बस स्टैंड, बस में चढ़ना या नहीं चढ़ना, आवाम इस तरह से परेशान है। तो लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा यहाँ के जो लोकल पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप यहाँ पर आए और NKRTC को यहाँ के हालात बताकर जो है ना यहाँ का काम करने के लिए आप दबाव डालें, जल्द से जल्द काम करें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे आसपास में बहुत सारे लोग रहते हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं,
जो बस से ट्रैवल करते हैं उनको ज़रूरी है। आज बरसात है, बरसात में जो है ना बारिश आने की आती है तो लोगों को ठहरने के लिए जगह होना ज़रूरी है जो यहाँ पर आ सकते हैं। फिर उसके बाद समर में धूप है तो वो भी ज़रूरी है, लिहाजा जल्द से जल्द इस बस स्टैंड को आकर रिपेयर किया जाए, साथ ही साथ में CCTV भी कैमरे भी इंस्टॉल किया जाए। अगर ये काम जल्द से जल्द अगर ये नहीं करेंगे बरसात ख़त्म होने से पहले तो इंशाल्लाह यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स को लेकर यहाँ की तंजीमें इंशाल्लाह इसी चौक पर यही रोड पर बैठकर स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि ये बस स्टैंड को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करके काफ़ी जद्दोजहद की थी, फिर उस तरह का फिर एक बार मौका महसूस हो रहा है। फिर ऐसा अगर होता है, अगर आके इसके ऊपर केयर नहीं करेंगे डिपार्टमेंट वाले, तो हम फिर रिंग रोड पर बैठकर इसका एहतजाज करेंगे, फिर इसके बाद में इसको अच्छे तरीके से मेंटेनेंस करने लगाएंगे और उसके बाद CCTV कैमरा भी इंस्टॉल करने लगाएंगे। फिर बाद सर, लीडर की जब बात आती है, लीडर की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी चीज़ों पर नज़र रखी जाए, बल्कि इसको नज़रअंदाज ना किया जाए, बल्कि सफ़र करने वालों को ज़ईफ ख़वातीन भी है, मर्द भी है और स्टूडेंट भी है, मगर हमारा ये कहना है कि आखिर लीडर की इन चीज़ों पर तवज्जो क्यों नहीं होती। ये एक ही नहीं बल्कि आप थोड़ा सर्वे करने के बाद पता चलेगा कि एक ही बस स्टैंड की हालत नहीं बल्कि ऐसे कई बस स्टैंड की हालत है। हम ये भी चाहते हैं कि लीडर्स पे आखिर तवज्जो क्यों नहीं देता या विजिट नहीं करता या तक उन तक ये मैसेज नहीं पहुँचता। देखिए, लीडर्स सिर्फ अपने अपने पैसे कमाने के लिए, अपने लोगों को जोड़ने के लिए, अब इलेक्शन करीब है, कॉरपोरेशन इलेक्शन, तो अपने अपने कामों में सब अपने लगे हुए हैं। आना चाहिए था यहाँ पर, कांग्रेस के नॉर्थ MLA को देखना चाहिए था और यहाँ के गुलबर्गा के MP को देखना चाहिए था, मगर ये लोग आज ये डेवलपमेंट को देखने के बजाय ये लोग सिर्फ जो है ना अपनी पार्टियों में लोगों को जोड़ने के लिए, इलेक्शन की तैयारियों के लिए मसरूफ़ है। अगर इलेक्शन ना भी होता तो ये लोग यहाँ पर आकर किसी दिन नहीं देखे हैं, ये जो है ना बस स्टैंड को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ की अवामी जद्दोजहद की थी और आने वाले दिनों में भी ये अवामी जद्दोजहद करेगी। ये लोग सिर्फ इलेक्शन आया लोगों को जोड़ो, इलेक्शन गया पैसे कमाओ, इसके अलावा कुछ नहीं करें। सर, लीडर ये कहते हैं कि जब भी इलेक्शन आता है तो अवाम से ये कहते हैं कि आपकी डिमांड क्या है बताओ, हम उसको पूरा करेंगे। ये सिर्फ इलेक्शन के हद तक ही है, इलेक्शन के हद तक ही बात होती है। कहते हैं कि जब भी कोई मसला हो तो डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट करें, इसमें क्या कहेंगे आप लीडर को? ये एक वोट लेने का तरीक़ा है, अवाम को बेवकूफ़ बनाकर अवाम से पूछा जाता है कि आपके मसाइल क्या हैं। कई एक मसाइलों पे यहाँ आपके बात हुई थी, इलेक्शन हुए, कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ, MLA इलेक्शन हुआ, MP इलेक्शन हुआ, कई एक इलेक्शन हुए, मगर यहाँ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया। ये एक वोट लेने का एक जो है ना तरीक़ा बना चुके हैं, एक डायरी लेकर उसमें लिखा जाता है, फिर इलेक्शन होने के बाद वो डायरी भी घुमा जाती है और उन्हें भी घुमा जाते हैं। ये काम सिर्फ होता ही नहीं है, जो लोग हैं पहले कुछ डेवलप हुआ था, ये पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कोई नहीं आते हैं, आते हैं तो इनॉग्रेशन ओपनिंग करते हैं, फिर उसके बाद काम का भी पता नहीं है, सिर्फ इनॉग्रेशन करके अपने अपने घरों को चले जा रहे हैं। सर, आप क्या चाहेंगे, क्या डिमांड है आपकी आपकी? देखिए, एक जो एरिया रेसिडेंट्स होते हैं, पब्लिक होती है, उनकी एक ही डिमांड होती है कि उनके एरियाओं में अच्छी रोडें रहें, अच्छी नालियाँ रहें और रहने के लिए इनके जो है ना जो सहूलतें होती हैं, सही पानी है, कचरा साफ करना है, ये जो मायने मायने चीज़ें, बस इतनी ही, यही हमारी डिमांड है अवाम की, इतने ही करने के लिए। ये लोग जो है ना अपने घरों के बाहर नहीं निकलते, काम नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूँ टोटली यहाँ पर गुलबर्गा में फेल हो चुके हैं पूरा एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक घर में बैठकर एक MLA एक कॉरपोरेशन को फ़ोन करके भी कह सकते हैं कि सो एंड सो एरिया में यहाँ पर ये तकलीफ में है, आप जाइए यहाँ पे भेज सकते हैं। NKTC चेयरमैन जो है उनको भी कॉल करके भेज सकते हैं, चाहे वाटर बोर्ड हो, चाहे कॉरपोरेशन हो, किसी की भी कॉल कर सकते हैं, मगर पूरे नाहिला हो चुके हैं, नाकारा हो चुके हैं MLA, दोनों भी MLA इसी तरह से हैं। गुलबर्गा में आप देखो, हर तरफ हर बस स्टैंड हो चाहे एरिया हो, कोई भी डेवलप नहीं हो रहा है। लिहाजा आने वाला बहुत अच्छा वक्त है, अवाम से भी मेरी गुजारिश है कि अवाम को चाहिए कि किसको जो है ना जो काम करता है, जो आपके लिए पिछले कई दिनों से कुछ काम में भी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इलेक्टेड करें, ना कि ये लोग जो MLA आकर फिर आपसे कहेंगे कि हमारे पार्टी के लोग को वोट दियो, आपके गले में हाथ डालकर आपको जो है ना मोहब्बत से लाड़ा करके जो बात करेंगे, आप वो बात पर तवज्जो ना दें,
जो काम कर सकता है उसको ही वोट दे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, उसको वोट देकर आप जिताइए। आज मौका है, फिर अगर हम लोग या कुछ पैसों के लिए या कुछ मोहब्बत के लिए या अपने रिलेशन के लिए या कुछ चापलूसी के लिए अगर आप लोग अगर किसी का अगर एक तरफ हम काम करेंगे तो फिर आने वाले 5 साल तक इसी तरह से हमें परेशान होना रहेगा। आवाम से भी मेरी गुजारिश है, बस स्टैंड तो है मगर बस स्टैंड में आपको किस चीज़ की कमी दिख रही है, क्या चीज़ होना चाहिए बस स्टैंड में? बस स्टैंड है यहाँ पे मगर यहाँ बैठने को ऐसे कुर्सियाँ नहीं, क्या नहीं, बड़े जैसे लोग आते हैं करते हैं जो घंटों से ठहरते हैं बस का इंतज़ार करते हैं, यहाँ बैठने को ऐसे कोई फैसिलिटीज नहीं है। सर कब से इंतज़ार कर रहे हैं बस का आप? मैं एक आधा घंटा हुआ एक बस नहीं आ रही, इंतज़ार करते बैठा हूँ यहाँ पर। बैठने के वास्ते कोई कुर्सी नहीं है, ठहर ठहर के मेरे पैर दुख रहे हैं, इसका इंतजाम करना बोल के मेरी गुजारिश है। आपको इस बस स्टैंड में किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है? बस स्टैंड में ना बैठने की कुर्सियाँ है, ना बस टाइम पे आती है। बस स्टैंड में कुर्सियाँ नहीं है तो क्या तकलीफ हो रही है आपको यहाँ पर? यहाँ पर जो है बस स्टैंड है, सिटी बस स्टैंड बोल के है यहाँ पे KCT कॉलेज के सामने, वहाँ पे जो है बस स्टैंड में पूरी एक भी कुर्सी नहीं है, पूरा खाली इलाका है। अभी एक महीने से है ये लॉकडाउन के जब से, हाँ महीना दो महीने हो गया, अब तक कोई कुर्सी ला को डाला नहीं और फर्शी भी जो है ख़राब हो गई है। हमेशा आके जो है हम लोग वो कट्टे पर ही बैठते, मिट्टी वगैरह सब है, धूल है, हवा है, सब कुछ है, उसका इंतज़ाम ज़रूर कराना चाहिए। मुसाफिरों के लिए बहुत मुश्किल है, औरतें भी है, बच्चे भी है, बड़े भी है, परगों को जाने वाले भी है। हमारा वतन सगर, सगर से हम यहाँ आकर रहे हैं KCT कॉलेज के करीब में। सर क्या चीज़ की कमी महसूस हो रही है इस बस स्टैंड पे? कूड़े की कुर्सी इला बस प्रॉब्लम इधे व्यवस्थे इला सर बंद निंतकोबेकागुत्तदा कूड़क व्यवस्थे इला सफाई भी नहीं है। सर इस बस स्टॉप पे आपको किस चीज़ की कमी दिख रही है और क्या चीज़ होना चाहिए, क्या चीज़ नहीं होना चाहिए? देखिए इस वक्त तो क्या है कुर्सियों के लिए पूरे टूट के पूरा ये हो गया और साफ सफाई नहीं है, क्या लेडीज़ आए तो लेडीज़ का अलग, जेंट्स का अलग, पानी का व्यवस्था होना तो पहले में वगैरह पीने का करने का। बहुत सारे लोगों की शिकायत रही है, हम जानते हैं कि इस बस स्टैंड के रूबरू KCT कॉलेज है, वहाँ के प्रोफेसर साहब से हम जानते हैं कि ये बस स्टैंड की हालत देखने के बाद आवाम को ही नहीं बल्कि स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम हो रही है। सर हमें ये बताइए, आवाम परेशान तो है ही है सीट नहीं रहने की वजह से, अब कॉलेज बंद है, कॉलेज अनखरीद शुरू होने वाले हैं तो स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम होगी? देखिए बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये एक मेजर इशू है, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं एज ए कॉलेज का स्टाफ हूँ, KCT कॉलेज में सिविल डिपार्टमेंट में मैं एक वहाँ का एम्प्लॉई हूँ, मैं रोज़मर्रा देखता हूँ, मेरा मकान भी यहीं पर है करीब में। यहाँ पे जो डेली मर्रा का यूसेज है एक स्टूडेंट्स के लिए वो यहाँ पे वो लेवल की फैसिलिटी मुहैया नहीं है। जिस तरह से कहा जाता है कि भाई लेडीज़ हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ जो है ना लेडीज़ स्टाफ आते हैं, लेडीज़ बच्चियाँ आते हैं, गांव से जो है ना अतराफ के डिस्ट्रिक्ट के ताल्लुक़े के विलेज के कई बच्चे स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों का डेली मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन है सिटी बस। सिटी बस स्टैंड का ये मामला है, ना कोई चेयर्स हैं, ना कोई स्टेप्स है, ना कोई फिजिकल बेसिक एमिनिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं है यहाँ पे। चूँकि पैंडेमिक था इस वजह से स्टाफ और दीगर स्टूडेंट्स नहीं आ रहे थे यहाँ पे, मगर यहाँ पे अब एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं, बच्चों का आना जाना लगा हुआ है और यहाँ पे क्या है इंस्टीट्यूट एरिया भी है और रेसिडेंस एरिया भी है, यहाँ पीछे देख सकते हैं बिसाइड जो है ना चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है और एक यहाँ पर बिजनेस स्पॉट भी है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बस स्टैंड की हालत, बस स्टैंड की फैसिलिटी बहुत उम्दा तरीके से होनी चाहिए। NKRTC कंसल्ट डिपार्टमेंट से हमारी गुजारिश है, एज ए स्टाफ होने के नाते, एज ए रिस्पेक्टेड सिटीज़न ऑफ द गुलबर्गा सिटी होने के नाते कि इसको टेक ओवर करें, इसको गौर व फिक्र किया जाए। यहाँ पर अगर सही तरह से जो है ना फैसिलिटी मुहैया नहीं कराई जाएंगी तो दीगर अफराद से हम मेमोरेंडम देकर जो है ना इस्माइल बाबा साहब हैं, हमारे नूर भाई हैं, इन लोगों के द्वारा हम जो है ना कंसल्ट डिपार्टमेंट को प्रेशराइज़ किया जाएगा। NKRTC कंसल्ट डिपार्टमेंट इस पर लुक ओवर करना चाहिए और टेक ओवर भी करना चाहिए। सर ये प्रॉब्लम एक महीने की नहीं बल्कि 8 दिन की नहीं बल्कि आवाम का कहना है कि लगातार 8 महीने से जी इस बस स्टैंड की हालत 8 महीने से है, ना कोई लीडर की यहाँ से गुजर भी होती है तो नज़र नहीं पड़ती, बिल्कुल गुजर भी होती है तो नज़र नहीं पड़ती, मगर
शहर के बीचों बीच रहने के बाद, तो ऐसे बस स्टैंड को जब नज़रअंदाज किया जा रहा है, अब जब अंदर रहेंगे तो वहाँ पर तो देखा भी नहीं जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं यहाँ पे रेक्टिफाई करना चाहूँगा, आवाम जो है ना दिल बड़ा करके ये कह रही है कि 8 महीने से, मैं खुद इसको 1.5 साल से देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे बैठता हूँ, मेरी ऑफिस भी है, कॉलेज भी यहीं पर है, मेरा यहाँ पर जो है ना ज़्यादा बैठने का स्पॉट है। पहले तो जो है ना आज को साल यहाँ पे चेयर्स थे वो भी नहीं है, टूटे फूटे चेयर्स थे। ये मेन रोड का ये आलम है, बिल्कुल आपने सही मुद्दा उठाया है, मेन रोड का आलम यह है। अगर हम सब रोड्स में जाएंगे, सब्सिडियरी रोड्स में जाएंगे, वहाँ पे तो टिन शेड भी नहीं है। तो यहाँ पे NEKRTCT और लोकल लीडर्स यहाँ पे देखना चाहिए कि हमारी कौम की हालत, या जो है ना अगर मैं एक कौम का मसला नहीं है, ज़्यादातर तो गुलबर्ग का सिटीजन सिटी बस से ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं, आतराफ के लोग जो डेली मरला के डेली वेजेस के भी लेबर्स आते हैं यहाँ पे। आपको मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जैसा मिजगोरी पे नाका है, यहाँ पे मिल्लत नगर खंडाला के लिए भी यहाँ पे एक नाका जैसा है। यहाँ पे कई कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं अपने जो कपनूरे के जो लेबर्स हैं डेली वेज वेजर्स, वो लेबर्स आके यहाँ पे ठहरते हैं भाई, बस के द्वारा भी आते हैं और जो है ना टमटम के द्वारा भी आते हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और जो है ना ऑटो के द्वारा भी आते हैं, वो लोग धूप पे ठहरते हैं यहाँ पर, उन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए। खैर हम लोग टू व्हीलर पे निकलेंगे, कई लोग कार से निकलेंगे, मगर बेसिक एमिनिटीज़ एक बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए ज़रूरी मुहैया करने वाली चीज़ है, गौर व फिक्र करना चाहिए। सर बस स्टैंड के आसपास कभी नज़र उठाकर देखेंगे तो इतनी गंदगी मिलेगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आवाम जो आवाम देख सकते हैं कि कितनी गंदगी यहाँ पर है, तो किस तरीके से इस गंदगी को भी दूर भी नहीं किया जा रहा है। राइट वो भी है यहाँ पर पहले तो कचरे का कुंडा था यहाँ पर, और यहाँ पे जो है ना सिगरेट गांजा पीने वाले भी रात में बैठते हैं, बेफजूल के अफराद रात के 12 बजे आकर जो है ना यहाँ लेटते हैं। यहाँ पे साफ़ सफाई का भी अहतमाम होना चाहिए, टीन शेड का भी बेहतरीन अहतमाम होना चाहिए, लाइट का अहतमाम होना चाहिए, और NEKRTCT के नॉर्म्स के मुताबिक यहाँ पे एक बैनर भी होना चाहिए जो इसका उन्हों जो है ना एडवर्टाइजिंग का पैसा भी लेते हैं। जब एडवर्टाइजिंग का पैसा ले रहे हैं तो ये मेंटेनेंस कौन करना है? खाली वो बोलते हैं ना हैदराबादी नगीना, अंदर मिट्टी ऊपर चुनना, इस तरह से मामला है यहाँ पर। ना बैठने के लिए कोई जगह है, ना बस यहाँ रुकने का वहाँ रुक रही, कभी कभार वहाँ रुक रही, उसके लिए भी क्या है वहाँ पर जंप है, वहाँ पर एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो बेहतरीन एक नॉर्म्स के मुताबिक, NHAI के एक प्रोटोकॉल के मुताबिक बस स्टैंड किस तरह से बनना है, अगर नहीं मालूम है तो हम देंगे, हम भी पढ़े लिखे हैं। मैं भी एज ए सिविल इंजीनियर हूँ, PG कैंडिडेट हूँ, मैं भी रोडों का सर्वे करता हूँ, नालियों का सर्वे करता हूँ। कुछ तरीका होता है, ये सब रोड बनना है, ये बाउंड्री बनना है, यहाँ पे चेयर्स रहना है और जो ना स्टेप्स आना है, बुज़ुर्ग हजरात ऊपर कैसा चढ़ेंगे, चढ़े तो उतरेंगे कैसा? तो ये सब बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए। मैं समझूंगा कि लोकल लीडर्स और रिप्रेजेंट यहाँ पे नाकाम हो चुके हैं ये काम को करने के लिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि कोई ना कोई इस चीज़ को जो है ना यहाँ पर गौर व फिक्र किया है, अली जनाब इस्माइल बाबा साहब और दीगर उनकी टीम जो है ना यहाँ पर गौर व फिक्र करी है। इसमें यकीनन गुलबर्गा सिटीजन्स की कोई मुफाद नहीं, आतराफ़ के जो बिलो पावर्टी लाइन के जो अफराद हैं, जो डेली वेज वर्कर्स हैं, जो मैं कभी कभार फजर के वक्त भी निकलता हूँ तो वो जो तरकारी बेचने वाले आते हैं यहाँ पर उतरते हैं, अपने मल्ले से जो है ना यहाँ पर ला कर जो है ना यहाँ से भी बेचते हैं। अब और एक बात ये बोलना चाहूँगा कि जो है ना पैंडेमिक में यहाँ पे भी एक मार्केट चालू हुई थी पीछे, यहाँ पे भी जो है ना एक नाके के जैसा वेजिटेबल मार्केट जैसा स्टार्टअप हुआ है। तो ये सेंटर एंड हार्ट ऑफ द सिटी भी कंसिडर कर सकते हैं आप इसको। बिल्कुल मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, वॉइस ऑफ गुलबर्गा का मैं जो है ना एक इनिशिएटिव, सुपर इनिशिएटिव आपने यहाँ पे लिया, कोई जो है ना इस पर गौर फिक्र नहीं करे थे, आपने इसको किया। और बिल्कुल मैं कंसल डिपार्टमेंट से ये अपील करूँगा, डिमांड करूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा कि फौरी तौर पे लुक ओवर कीजिए और इंशाल्लाह ताला आप जो भी वक्त लेना है नॉर्म्स के मुताबिक टेक ओवर कर दीजिए। पहले तो ये गुलबर्गा के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि मेन हाईवे पे इस तरीके का इतना अच्छा बस स्टैंड होगा जहाँ पर एक आदमी भी नहीं बैठ सकता, एक लेडीज़ भी नहीं बैठ सकती। यहाँ पे ना पानी की सहूलत है बस स्टैंड में, ना बैठने के लिए चेयर है, आजू बाजू जो भी है ना अपार्टमेंट बन रहा, कोई अपने अपने जो है ना डेवलपमेंट के वास्ते जो है ना बस स्टैंड को नुकसान कर रहे, पता नहीं कौन कर रहे, उनका नाम भी लेना नहीं चाहता मैं, मगर ये बस स्टैंड को या तो डेवलप करो गवर्नमेंट, वरना ये बस स्टैंड को है ना यहाँ से निकाल दो, क्योंकि ये मेन हाईवे पे जो है ना नाम ख़राब है हमारे गुलबर्ग से। अगर कोई हैदराबाद से ये मेन हाईवे लगता, अगर कोई हैदराबाद से अगर हमारे महल्ले को देखते जाएंगे, ये गुलबर्ग का बस स्टैंड बोल के जो है ना हमारे लिए शर्म है, या हमारे लोगों में वो दम नहीं है ये बस स्टैंड को जो है ना हिफाजत से रख सके, फॉर्म की खिदमत करना है, ये बस स्टैंड को अच्छा रखना है, ये हमारे लोगों में नहीं है, इनको ऐसी आदत है।
और हमारे सरकार को भी जो है ना इतना चोना है।